आपका भाषा में आप लिखो, मैं समझ जाऊंगा आपका वो ये उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वेल्डिंग रॉड पे प्री हीट क्यों करना पड़ता है? तो ये क्वेश्चन आप आंसर दोगे, क्यों ना मैं हर टाइम आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को से मिलने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ हरे कृष्णा। आज आप लोग को वेल्डर इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है, और एक वीडियो में आप लोग को थैंक यू दोस्तों, मेरा एक वीडियो 1K व्यू वेल्डिंग का रिलेटेड एक वीडियो था, जिसमें वेल्डर इंटरव्यू सवाल बोल के है, आपको थंबनेल पे दिखाई देगा। आप लोग मेरे को बोलते हो ऐसे वीडियो आप लोग बनाइए, तो ये इसलिए मैं ये वीडियो में आप लोग को जानकारी दिलाऊंगा वेल्डिंग पोजीशन क्या क्या होता है, वेल्डिंग इक्विपमेंट कितना प्रकार का लगता है, वेल्डिंग सेफ्टी कितना होता है, एनडीटी क्या होता है, डब्ल्यूपीएस क्या होता है। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, वेल्डिंग रॉड, जो वेल्डिंग रॉड होता है उसको प्री हीट क्यों करना पड़ता है, जरूर ये वीडियो में आप लोग को कमेंट पे बताने का इसका आंसर क्या होगा। शुरू करता हूँ दोस्तों, पहले क्वेश्चन है वेल्डिंग पोजीशन क्या होता है। तो वेल्डिंग पोजीशन आप लोग को दिखाई देगा, एक होता है पाइप वेल्डिंग पोजीशन, एक होता है प्लेट वेल्डिंग पोजीशन। तो पाइप वेल्डिंग पोजीशन क्या होता है, 1G रहते हैं, 2G रहते हैं, 1G, 2G, 3G, 4G, ये पाइप वेल्डिंग का प्लेट वेल्डिंग का पोजीशन हो गया। तो पाइप वेल्डिंग पे क्या रहते हैं, 1G, 2G, 5G, 6G। तो ये पूरा वीडियो पूरा डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दूंगा, तो आप लोग को पूरा डिटेल्स में आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा, 1G क्या है, 2G क्या है, 3G क्या है, 4G क्या है, और पाइप वेल्डिंग पे 1G क्या है, 2G क्या है, 5G क्या है, 6G क्या है, आप लोग को मुलाकात हो जाएगा। तो सेकेंड है वेल्डिंग इक्विपमेंट क्या क्या लगता है। तो वेल्डिंग इक्विपमेंट बोलते, एक वेल्डिंग करने के टाइम पे आपको को मी वेल्डिंग बस CO2 वेल्डिंग करना है, उस टाइम पे आपको क्या लगने वाला है, तो एक लगेगा वेल्डिंग वायर लगेगा, एक लगेगा और ट्यूब लगेगा, एक लगेगा नोजल लगेगा, वेल्डिंग टॉर्च लगेगा, और क्या लगेगा डिफ्यूजर लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा रेगुलेटर में रेगुलेटर लगेगा, CO2 सिलेंडर लगेगा, एक वेल्डिंग CO2 मशीन लगेगा, एक और क्या लगेगा, ये सब लगता है, इक्विपमेंट लगता है। तो कौन सा, CO2 वेल्डिंग पे। और जब आपको आर्क वेल्डिंग पे क्या लगेगा, एक वेल्डिंग टॉर्च लगेगा, जिसमें वेल्डिंग होल्डर बोलते हो, टॉर्च तो होता नहीं, होल्डर होता है, जिसपे रॉड को पकड़ने के लिए होल्डर लगेगा, अर्थिंग केबल लगेगा, एक पावर सोर्स लगेगा, जिसमें हम लोग वेल्डिंग करेगा, उसमें गैस नहीं लगता है। तो इतना प्रकार का चीज आपको इक्विपमेंट लगता है। तो वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में कोई पूछेगा तो क्या आंसर देने का, वेल्डिंग सेफ्टी क्या क्या होता है। तो वेल्डिंग सेफ्टी में क्या बताएगा, पहले एप्रोन लगेगा वेल्डिंग करने टाइम पे, गॉगल्स लगेगा, उसके बाद एयर प्लग लगेगा, हेलमेट लगेगा, सेफ्टी शू लगेगा, और लेग गार्ड लगेगा, हैंड स्लीव लगेगा, उसके बाद आपको कोई हीटिंग पे काम कर रहे हो तो चेस्ट में हीटिंग पे हीट डिप्लोमा ऐसे लगता है, वो लगता है, और मास्क लगता है। इतना प्रकार का सेफ्टी में आपको इक्विपमेंट वेल्डिंग करने टाइम पे जरूरत है, क्यों ना आप एक वेल्डिंग करोगे तो आपको वेल्डिंग पे लड़ लग सकते हैं, तो इसलिए हेलमेट की जरूरत होता है, फुल वेल्डिंग पे ट्रैकिंग पे गॉगल्स में चल सकता है। तो एनडीटी क्या है, एनडीटी तो आपको फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा है एनडीटी क्या है, कोई एनडीटी मतलब क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इसको बोलते हैं। जब आप होल्डिंग करते हो तब आपको होल्डिंग पे आपको कोई जगह पे डिफेक्ट आया क्या, विजुअल डिफेक्ट आया क्या। एनडीटी मतलब, एनडीटी में दो तीन प्रकार का एनडीटी है, जिसमें विजुअल डिफेक्ट होता है, इंस्पेक्शन होता है, एक होता है डीपी टेस्ट होता है, यूटी होता है, आरटी होता है, ये सब चीज इसको एनडीटी के अंदर होता है। तो एनडीटी मतलब क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसको बोलते हैं
होल्डिंग का डिफेक्ट पता चलता है, होल्डिंग पे गलत किधर हुआ है, होल्डिंग मतलब, होल्डिंग मतलब क्या है, दो मेटल को ज्वाइन करने, एक ही ऐसा बनाने का, तो वो करने के लिए आपका अंदर में आपको अच्छा दिखाई देगा। तो एक पेन के अंदर में क्या है आपको पता नहीं चलेगा, पकड़ लो ये पेन का मेटल है, ये लोहा है, तो लोहा में अंदर में क्या है आपको पता नहीं चलेगा। जब आपको यूटी करोगे तब आपको क्या पड़ेगा, अंदर में कितना अंदर में वो डिफेक्ट है वो पता चलेगा। आटी करेगा तो आपको तस्वीर दिखाई देगा, आपको डीपी करेगा तो उसका सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है उसका अंदर दिखाई देगा डाई पेंटेशन टेस्ट में। तो इसको बोलते हैं NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। WPS क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा होगा व पूछता है हर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर, WPS क्या है, वेल्डिंग प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या है उसके अंदर जितना प्रकार का चीज़ आपको जरूरत है तो पूरा डिटेल्स में देता है। तो क्या है आपको वेल्डिंग रॉड क्या चाहिए, बेस मेटल का थिकनेस क्या रहेगा, उसका ग्रेड क्या रहेगा, ग्रेड मतलब क्या है E350 MS है ना, SS है ना, कौन सा स्टेनलेस स्टील है, तो जो भी है आपको पता चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा उसको कितना प्रीड रखने पड़ेगा, कितना पोस्ट हीट रखने पड़ेगा, कितने इंटरफेस टेम्परेचर रखने पड़ेगा, कितना बार होल्डिंग करने पड़ेगा, कितना लेयर का होल्डिंग करने पड़ेगा, कितना रूट कितना रखने पड़ेगा, उसका कवर कितना रखने पड़ेगा, तो उसके बाद आपको रिइंफोर्समेंट कितना रखने पड़ेगा, उसका थ्रोट साइज कितना रहेगा, उसका लेग लेंथ कितना रहेगा, पर होल्डिंग रॉड पे प्री हीट क्यों करना पड़ता है, ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट पे जरूर लिख के बताओ। तो आप एक होल्डर हो तो जरूर आपको एक क्वेश्चन को आंसर पता है, तो जरूर आपका भाषा में लिखने का, आप बंगाली से तो बंगाली में लिखो, इंग्लिश में आप यू आर फ्रॉम अदर कंट्री, यू आर फ्रॉम एब्रॉड, तो यू कैन सेंड मी इन इंग्लिश, टेक्स्ट मी द इंग्लिश। एंड कोई आदमी हिंदी में बात करना चाह रहे हो, हिंदी में आपको हिंदी इंडिया का अंदर में हिंदी में, तो वो हिंदी में लिखो, आपका भाषा में आप लिखो, मैं समझ जाऊंगा आपका वो ये उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेल्डिंग रॉड पे प्री हीट क्यों करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप आंसर दोगे, क्यों ना मैं हर टाइम आप लोग को क्वेश्चन एंड आंसर बताता हूँ, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को से मिलने के लिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।